हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माई चैनल एंड दिस वीडियो इज गोइंग टू बी बेस्ड ऑन द ट्वेंटी दैट वी गेट इन आयस राइटिंग तो मेरी जो ये वाली प्ले लिस्ट है इसमें अभी तक मैंने नियर अबाउट टेन या मे बी इलेवन टाइटल्स को कवर किया है दिस इज द नेक्स्ट टाइटल अब यहाँ मैंने आप देखो बोर्ड पे तो मैंने टाइटल मेंशन नहीं किया है लाइक आई डू इन ऑल द अदर वीडियो जो मैंने ऊपर ही टाइटल मेंशन किया है इस वीडियो में आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ टू जज द टाइटल हाउ टू फाइंड इट आउट क्वेश्चन को समझना कैसे है क्योंकि क्वेश्चन हमारा तीन पार्ट्स में डिवाइडेड होता है बैकग्राउंड स्टेटमेंट व्यू पॉइंट एंड क्वेश्चन स्टेटमेंट सो इन तीनों पार्ट्स को क्वेश्चन में समझना कैसे है साथ ही साथ वी विल अंडरस्टैंड द टाइप ऑफ द क्वेश्चन अब जैसे आपने देखा ही है इस चैनल पे मेरे सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो जो है दैट इज अबाउट द एसे टाइप टाइप्स सेवन टाइप्स ऑफ एसेस तो वो भी हम समझेंगे कि ये कितने टाइप्स के हैं सो लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट एज यू कैन सी ऑन द बोर्ड देर इज अ लॉन्ग स्टेटमेंट पहले तो ये बोर्ड बहुत बड़ा है तो ये स्टेटमेंट इतनी ज्यादा बड़ी लग नहीं रही है बट अगर आपको एग्जाम में ऐसी कोई स्टेटमेंट आ रही है सो डोंट वरी देख के घबरा मर जाइए कि ये इतनी लंबी स्टेटमेंट है इसमें पॉइंट क्या लिखने हैं इसको समझना कैसे है वेल आई एम हेयर टू एक्सप्लेन यू कि ये लॉन्ग स्टेटमेंट्स को ब्रेक कैसे करना है समझना कैसे है और लिखना कैसे है टेक्निक क्या होनी चाहिए बॉडी पैराग्राफ कितने होने चाहिए चार जो पैरामीटर्स है राइटिंग के वो कहाँ कहाँ कवर करने हैं तो लेट्स स्टार्ट विद दिस नाउ सो फर्स्ट आई स्टार्ट बाय रीडिंग द स्टेटमेंट इट स्टेज यंग पीपल नो अबाउट इंटरनेशनल पॉप एंड मूवी स्टार्स बट नो वेरी लेस अबाउट फेमस पीपल फ्रॉम द हिस्ट्री इन द ओन कंट्री अब ये जो हमारी पहली स्टेटमेंट है जिसके अंदर उन्होंने बात किसकी की है यंग जनरेशन की यंगस्टर्स की बात कर रहे हैं कि उनको इंटरनेशनल पॉप और मूवी स्टार्स के बारे में बहुत कुछ पता है लेकिन उनको अपनी कंट्री के जो हमारे फेमस लोग हैं हिस्ट्री से अब यहाँ जो हमारा हिस्ट्री वर्ड है ये मेन है यू नॉट अबाउट द प्रेजेंट टाइम प्रेजेंट सेलिब्रिटीज के बारे में बात नहीं कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं जो पिछले हिस्टोरिकल लोग थे पुराने उनके बारे में पूछ रहे हैं कि उनके बारे में लोगों को पता ही नहीं है बच्चों को पता ही नहीं है जो यंगस्टर्स हैं हाँ लेकिन इंटरनेशनल पॉप और इंटरनेशनल मूवी स्टार्स के बारे में जरूर पता है अब पॉप जो है ये होते हैं सिंगर्स मूवी स्टार्स जो हॉलीवुड के स्टार्स हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं ना no, सबसे पहली चीज टाइटल क्या है इसका अब यहाँ पे अगर इंटरनेशनल पॉप और मूवी स्टार्स के बारे में सोचिए तो हमें उन्होंने लिंक किससे किया है यंग पीपल से अब यहाँ पे दो चीजें हैं आप कहोगे कि मैम तो सेलिब्रिटी या मीडिया बेस्ड है क्योंकि यहां पे हम फेमस पर्सनैलिटीज की बात कर रहे हैं लेकिन अगर मैं आपको कि ये यंग पीपल के बारे में है ये यंगस्टर्स के ऊपर टॉपिक है देन हाउ टू फाइंड दैट आउट जब हम यंग पीपल की बात कर रहे हैं वी वे टॉपिक अब नॉलेज रिगार्डिंग दीज पीपल मेजरली हम इनकी बात कर रहे हैं क्योंकि अगली स्टेटमेंट में उन्होंने बात की है उनकी हिस्ट्री के लोगों को जानने के बारे में कि वो हिस्ट्री के लोगों को कम जानते हैं तो यहां से हमारा कनेक्शन क्लियर हुआ कि ये टाइटल जो है दैट इज अबाउट द यंग पीपल या फिर यंगस्टर्स ऐसे हमने टाइटल फाइंड करना है टाइटल फाइंड करने का रीजन ये है कि आपका जो टॉपिक राइटिंग फॉर्मेट है वो ऑफ टॉपिक नहीं जाता है आपका टी आर गलत नहीं होता है टी आर होता है टास्क रिस्पॉन्स जिसमें एग्जामिनर ये चेक कर रहा है कि आपने जो ऐसे लिखा है वो सही फॉर्मेट में है उसका सीक्वेंस सही है और आपने उसको कंटेंट जो है टॉपिक रिलेटेड लिखा है ऑफ टॉपिक नहीं लिखा ये सारी तीनों चीजें जो है टी आर में आती हैं आप फॉर्मेट सही कर लोगे आप सीक्वेंस में लिख लोगे लेकिन अगर आप अपना ऐसे ऑफ टॉपिक लिख रहे हो तो आपको टीआर का स्कोर वहां पे नहीं मिलेगा टी आर गलत हो जाएगा तो हमें टॉपिक बेस्ड लिखने के लिए जरूरी है कि टाइटल पता हो क्योंकि हम उसी के सारे सीक्वेंस में बात करेंगे हम उसी के रिलेटेड बात करेंगे राइट नेक्स्ट अब हमें ये स्टेटमेंट समझ आ गई अब यहां से हमने पता करना है कि ये बैकग्राउंड है या व्यू पॉइंट है तो देखिए उन्होंने यहाँ पे हमें एक जनरल क्राइटेरिया बताया ना किसी की सेइंग है ना किसी का ओपिनियन है ना कोई बिलीफ है ना ही उन्होंने यहाँ पे शुड यूज किया है मतलब किसी का ओपिनियन तो यहाँ पे है ही नहीं हम यहाँ पे एक जनरल हैं कि यंगस्टर्स क्या कर रहे हैं तो ये हमारी बन गई बैकग्राउंड स्टेटमेंट इसको हम बैकग्राउंड स्टेटमेंट कहेंगे अब बैकग्राउंड स्टेटमेंट से हमें टाइटल मिलता है तो टाइटल मिल गया यंग पीपल के बारे में नेक्स्ट चीज है हमारा रह गया अब व्यू पॉइंट देखो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि हर एक क्वेश्चन जिसके अंदर बैकग्राउंड स्टेटमेंट है उसमें व्यू पॉइंट भी हो अगर आप कोई क्वेश्चन कर रहे हो वहाँ व्यू पॉइंट हो सकता है बैकग्राउंड हो सकता है दोनों हो सकते हैं लेकिन क्वेश्चन हमेशा रहेगा ओनली देर आर डायरेक्ट क्वेश्चन जहाँ पे आप क्वेश्चन का टाइप जो है समझने में थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो लेकिन व्यू पॉइंट और बैकग्राउंड स्टेटमेंट हर एक स्टेटमेंट में एक साथ हो दैट इज नॉट नेसेसरी जैसे कि इस केस में है इसमें हमारी स्टेटमेंट यहां खत्म हुई है बैकग्राउंड की साथ ही में क्वेश्चन आ गया वाई तो ये मतलब बैकग्राउंड स्टेटमेंट व्यू पॉइंट तो है ही नहीं हमारे पास भाई सो so, उन्होंने पूछा है ऐसा क्यों है भाई क्यों नहीं पता उनको क्यों उनको, उनको, उनको अपने हिस्ट्री के बारे में नहीं पता नॉलेज नहीं है तो उन्होंने हमसे क्या पूछा है उन्होंने हमसे पूछी है रीजंस क्यों ऐसा हो रहा है यंगस्टर्स को फॉरनर्स के बारे में तो पता है इंटरनेशनली सबके बारे में पता है अपनी ही कंट्री के जो हिस्ट्री के फेमस पर्सनैलिटीज हैं उनके बारे में कोई नॉलेज नहीं है तो वो हमें उनको बताना है इसके कारण क्या हैं फिर उन्होंने कहा है हाउ कैन मोर इंटरेस्ट बी क्रिएटेड इन यंग पीपल टू गेन मोर नॉलेज अबाउट देयर ओन फेमस पीपल फ्रॉम हिस्ट्री अब यहाँ पे जो एग्जाम है ना थोड़ा इंसरियर हो रहा है कि उनको इंटरनेशनली तो पता है अपनी कंट्री का क्यों नहीं पता अब आप ये बताओ कि बींग यंगस्टर इंटरनेशनल कॉप छोड़ के यंगस्टर्स को अपनी हिस्ट्री के बारे में कैसा बताएं तो उन्होंने यहाँ पे हमसे क्या पूछा है सजेशन पूछी है हमारी कि हम उनको सजेस्ट करें कि इसको कैसे इम्प्रूव किया जाए अगर आपने मेरी वो टाइप्स ऑफ एसेज वाली वीडियो देखी है तो आप जरूर बता लोगे कि ये कौन सी टाइप है अगर आप बता सकते हो तो जरूर कमेंट में बताइएगा सो दैट आई कैन कम टू नो कि कितने लोगों ने वो वीडियो देखी है और कितने बच्चों को या स्टूडेंट्स को या लर्नर्स को इन टाइप्स ऑफ एसेज की नॉलेज है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अब यहाँ देखिए यहाँ रीजन्स है साथ में सजेशन मांगा है तो आप ये चीज सोचिए तो उन्होंने सल्यूशन नहीं मांगा है हमसे उन्होंने रीजन और सजेशन लिया है सल्यूशन नहीं है यहाँ पे तो अगर रीजन के साथ सजेशन है लेकिन सोल्यूशन नहीं है तो हम इसको कहते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन ये हमारा आ जाता है डायरेक्ट क्वेश्चन तो डायरेक्ट क्वेश्चन में ऐसी ही लॉन्ग स्टेटमेंट आती हैं डायरेक्टली उसने पूछ लिया कि पहले तो रीजन बताओ क्यों हो रहा है फिर उसने पूछा कि अब मुझे यहाँ पे सजेशन भी दे दो मैं इसको इंप्रूव कैसे करूं तो आपको ये चीजों पे ध्यान रखना है ओके नाउ इफ वी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट रीजन्स तो पहला रीजन क्या होगा सबसे बड़ा रीजन ये है हमारा एजुकेशन सिस्टम भाई एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि जहाँ पे बच्चों को हम बहुत ही पुरानी हिस्ट्री बता रहे हैं हम अकबर वगैरह की हिस्ट्री बता रहे हैं लेकिन जो रीसेंट हमारी हिस्ट्री है जो हमारी मॉडर्न हिस्ट्री है उसके बारे में बच्चों को कुछ बताया नहीं जा रहा है दूसरी चीज हम लोग आज की दुनिया में वी आर लिविंग इन अ न्यूक्लियर सट

और जो यंगस्टर्स हैं, डेफिनेटली उनके पास आज एक्सपोजर है ऑफ द इंटरनेट ऑफ द मीडिया जो कि इन सेलिब्रिटीज को हाईलाइट कर रहा है जो बच्चों को इन सेलेब्रिटीज की तरफ आकर्षित कर रहा है अट्रैक्ट कर रहा है तो डेफिनेटली बच्चों को सेलेब्रिटीज़ के बारे में होगा। ये गए हमारे रीजन अब सजेशन क्या है सबसे पहला रीजन हमने दिया एजुकेशन सिस्टम को लेके तो हमारा पहला सजेशन भी एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने के बारे में होना चाहिए कि बच्चों को हिस्ट्री में उस चीज़ के बारे में बताया जाए जो उनको आज की दुनिया में काम आएगा और उनको उस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए अपनी कल्चर या अपनी कंट्री की हिस्ट्री को प्रमोट करना चाहिए ना कि वो वहाँ पे अपनी जो दूसरे इंटरनेशनल पॉप या मूवी स्टार्स हैं उनके बारे में जाने तो पहला सजेशन ये आ गया दूसरा रीज़न हमारा था रिगार्डिंग द Of nuclear families. So the nuclear family setup then the family should live together and the grandparents should be allowed some time with the, with their offspring and grandchildren so that they can enhance their knowledge about the history of their own country and the heroes of their own culture. Lastly, suggestion hai for the media. The media should enhance and put or set up certain uh, channels, certain programs where

हमारे वहाँ एक ऑर्डर भी होना चाहिए जिस ऑर्डर में रीजन दे रहे हैं उसी ऑर्डर में सजेशन होना चाहिए ताकि वो रेलिवेंट लगे Irrelevant जो अगर होगा तो आपका स्कोर वहाँ पे डिडक्ट हो जाएगा इसी टाइटल के अलग अलग वीडियोज इस टाइप की प्लेलिस्ट में जो वीडियोज़ हैं उन सभी को आप देखिए ज़रूर ताकि आपको हर एक टाइप के ऐसे लिखने में कोई प्रॉब्लम ना आए आपको टाइटल समझने में, में प्रॉब्लम ना आए और ऐसे में अच्छा स्कोर करें वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा कमेंट डाउन बिलो योर व्यूज़ एंड योर थॉट्स अबाउट द वीडियो शेयर इट विद योर फेलो फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू टू इट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग